निधि होम किचन में आज हम बनाएंगे चने दाल के फरे। और ये हमने चावल को 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और आपके पास चावल का आटा हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। और इसका मैं मिक्सी में बारीक पेस्ट बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए इसका। चावल का मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। इसमें थोड़ा सा हम गेहूं का आटा मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमें मिलाना है। ताकि इसका अच्छे से पूरा डो बन जाए। ऐसे ही आटे को गूंथेंगे ताकि आटा अच्छे से मिल जाए। ये आटा तैयार हो गया है। अब आगे चना की दाल को पीसेंगे सिलवट पे ताकि ये इसका पेस्ट ना बने और ये दानेदार रहे। इस तरीके से दानेदार पीसना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है इसका। जो हमने दाल पीसी थी चना की, उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट है। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा जीरा, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन, दो चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और यहाँ पे हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। और 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना। इन सब चीज़ों को हमें हाथ से ही अच्छे से मिलाना है ताकि ये पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसाले ऐड कर दिया हमने, अब इसमें थोड़ी सी हरा धनिया डालेंगे। उसके बाद इसे हम हाथों से मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये मसाला तैयार हो गया है। इसकी अब हम रोटी बनाएंगे। रोटी हमें हाथ से ही बनाना है, नहीं तो ये भरते समय फट जाएगी। इसे हमें ऐसे गोल गोल करके और ऐसे दबा देना है धीरे धीरे। और अब इसका इसमें हम मसाला भरेंगे और इसे हम धीमे से ऐसे दबा देंगे धीरे से। और ये तैयार हो गई। ऐसे ही हमें सारे बना लेना है और हमें इसे बेलन से नहीं बेलना, वरना ये फट जाएगी, ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो हमें हाथ से ही इसको बनाना है।
आप ऐसे धीरे धीरे बनाओगी तो बन जाएगी बहुत आसान से। ये सारे फरे हमने बना लिया है। अब इसको हम पानी में उबालेंगे और यहाँ पे रख दिया हमने कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पे पानी मैंने आधी कढ़ाई रखा है और इसमें मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी और एक चम्मच तेल, ताकि ये फरे चिपके नहीं इसमें कढ़ाई पे। और इसको हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही उबाल आएगा इसमें हम फरा डालेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें फरे डालेंगे। और पानी में इतना ही उबाल आए तभी डालना, वरना ये सारे फरे चिपक जाएंगे इसी में। और अब हम एक एक करके डालेंगे फरे को। ये हमने पूरे फरे डाल दिया और इसको गैस को हम धीमे कर देंगे। और हमें धीमी आंच में ही पकाना, ज़्यादा पूरी गैस में नहीं पकाना है। थोड़ी देर के बाद हमें फरों को चलाना है और हमें इसको चम्मच को सीधा करके नहीं, इसके भल हमें ऐसे करना, वरना पूरे फरे कट जाएंगे। ऐसे धीरे से अच्छे से पूरे फरों को चला देना है। ये फरा पक चुके हैं, इसको अब प्लेट में हम निकाल लेंगे। इन सारे फरों को हमने प्लेट में निकाल लिया। आपको उबले हुए खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप फ्राई करके भी खा सकते हैं। हम फ्राई करना भी बता रहे हैं आपको। जिसके लिए पैन रख दिया है हमने, इसलिए हम तेल डालेंगे। 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे हम। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। हरी मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च इसमें हम डालेंगे। कड़ी पत्ता, और इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज पक चुका है, इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना, क्योंकि खारों में भी नमक है। इसको हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक टमाटर पक रहा है, अब इन फलों को छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि फ्राई करने में आसानी हो। टमाटर प्याज पक चुका है, इसमें अब फरा हम डालेंगे। इसमें हरी धनिया डालेंगे। इसके बाद 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये फरा तैयार हो गए हैं खाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।